हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं जीतू जलाका आपके लिए लेके आया हूँ, मतलब बहुत से भाइयों की ना डिमांड आ रही थी कि भैया क्विड सीएनजी के ना परफॉर्मेंस बनाओ, कि परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत से भाइयों का मन करता है कि भैया सीएनजी लगवाएं या ना लगवाएं, गाड़ी लें या ना लें, सीएनजी फिटेड लें या फिर नई गाड़ी लेके उसमें सीएनजी लगवाएं। तो भैया ये है अपनी सीएनजी फिटेड, बट जिन भाई की गाड़ी है उन्होंने इसमें बाहर से सीएनजी लगवाई है, तो एक बार उनसे कुछ इसका रिव्यू पूछेंगे भाई, यूज करने में कैसी है कैसी नहीं है, थोड़ा चला के देखेंगे और फिर बताएंगे आपको भैया गाड़ी यूज करने लायक है या नहीं है। तो ये है कुछ इसका ओवरव्यू। तो ये रहने वाले अपना क्विड का RXL मॉडल है, बेस से अपर वाला। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। जो एक क्विड है ना, ये रहने वाली अपना फेसलिफ्ट मॉडल। जो इनका इससे पहले मॉडल आता था ना, उसकी जो फ्रंट की लुक थी वो बिल्कुल सिंपल सी थी। इन्होंने उस टाइम क्या किया हुआ था, ऊपर ही हेडलाइट रहती थी, उसमें इंडिकेटर रहते थे, बट इन्होंने अब क्या कर दिया है, जो ऊपर का हिस्सा है ना, इन्होंने यहाँ पे DRL डाल दिए हैं, जो डे रनिंग लाइट्स होती हैं, और नीचे इन्होंने हेडलाइट डाल दिया, जो इंडिकेटर्स हैं ना वो भी DRL के ऊपर ही दिए हुए हैं। तो ये इसकी कुछ फ्रंट की लुक ऐसी कुछ रहने वाली है इसकी। ये यहाँ पे सामने इसका रेनो का लोगो, नीचे एक बड़ी सी ग्रिल और ऊपर भी एक अच्छी सी ग्रिल दी हुई है। तो ये है इसका साइड प्रोफाइल। तो अगर मैं वहीं पे इसकी इंटीरियर की, इसकी टायर साइज़ की बात करता हूँ, जो इसके टायर साइज़ रहने वाले हैं ना, इतनी हैचबैक में जो किसी भी कंपनी की जो स्टार्टिंग वाली जो हैचबैक होगी उसमें किसी में ना 14 इंच टायर नहीं आते, बट ओनली ये एक ऐसी गाड़ी है 14 इंच के टायर दी हुई है। तो एक बार इसको अंदर चेक करते हैं। तो भैया ये रहने वाली कुछ अंदर से, तो इसका जो पहले ही क्विड है उससे इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा सही कर दिया है पहले से। पहले थोड़ी एक नॉर्मल चलती थी, थोड़ी थोड़ी और अब वही जब कुछ ना कुछ चेंजेस करते तो भैया फर्क तो आता ही है ना। तो ये इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डिजिटल है, जैसे अपनी उसका होता है निसान मैग्नाइट का, हाफ डिजिटल और हाफ मैनुअल। यहाँ पे कुछ RPM, यहाँ पे मैं जो फ्यूल गेज हो गया, कुछ यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हो गए यहाँ पे अपने, और यहाँ पे अपने कुछ वो ट्रिप वगैरह चेक करने को, यहाँ पे माइलेज क्लॉक और ये ट्रिप ए ट्रिप बी, और टोटल गाड़ी चल चुकी है 19,024 किलोमीटर। तो जो भैया ने जो ये अपना सिस्टम है ये बाहर से लगवाया हुआ आफ्टर मार्केट। यहाँ पे अपने कुछ AC कंट्रोल रहने वाले हैं, मैनुअल AC आता है इसमें, और यहाँ पे अपने कुछ स्पेस कुछ पेपर रखने के लिए। यहाँ पे भैया ने ये बहुत सही काम किया हुआ है, थोड़ा ना हेडरेस्ट हर गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। इससे ना अगर तुम कहीं लंबे टूर पे भी निकलते ना तो बहुत ही सही रहता है, मतलब कोई दिक्कत आती नहीं, मज़ा आ जाता है, मतलब कि एकदम रिलैक्स होकर चलो बहुत अच्छे से। ये स्टीरियो आफ्टर मार्केट वाला, यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ पे ना एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, यहाँ पे जो आपके पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं ना वो अपने यहीं पर दिए हुए हैं, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना डैशबोर्ड, बहुत ही बड़ा सा डैशबोर्ड, यहाँ पे क्विड की एक बैजिंग दी हुई है भैया अपनी। यहाँ पे अपने AC वेंट हो गए, ये अपना थ्री व्हील्स थ्री स्पोक वाला अपना व्हील हो गया, अपना स्टीयरिंग कंट्रोल, यहाँ पे अपने मिरर, यहाँ पे केबल लाइट होगी, और यहाँ पे अच्छा मिरर नहीं आता, यहाँ पे ये कुछ पीसेस पीछे से। स्पेस भी अच्छा है, स्पेस में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भैया, स्पेस थोड़ा कम हो या ज़्यादा है क्या है क्या नहीं, स्पेस मतलब जितना होना चाहिए तो उतना एकदम बेस्ट है। ये भैया फिर उसका बैक प्रोफाइल, रेनॉल्ट की बैजिंग क्विड लिखा हुआ। ये कुछ उसकी टेल लैंप भी नॉर्मल रहने वाली है, कुछ उसकी LED वगैरह नहीं है इसमें। तो एक बार ना उन भैया से बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाड़ी के बारे में, क्योंकि बहुत से जो भैया गाड़ी लेने सोचते हैं और CNG लगवाने के बारे में सोचते हैं ना, तो भैया खुद वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो भैया इस गाड़ी को करीब एक साल हो गया ले, अच्छा ये मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है, बस नेक्स्ट मंथ जून में हो जाएगा एक साल लिए गाड़ी को पूरा। तो भैया को पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, भैया को पूरी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी माइलेज देती है, या कैसी गाड़ी चलती है, चलने लायक है या नहीं है, तो भैया सब कुछ पूछेंगे। तो भैया अगर मैं पहली बात पूछूं तो इसको इसमें CNG लगाई हुई आपको कितना टाइम हो गया इसमें आपको? ये मैंने 15,000 के समथिंग इसको चला दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी रनिंग कर रही है ये। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलाने में, 800 के मुताबिक ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और
और इसमें स्पेस के हिसाब से भी और भी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ उसके बारे में, जैसे कि इसमें टायर चेंज किया गया है इसमें। हाँ टायर इसमें 14 इंचेस के हैं। तो भैया मेन इसमें ये है, जैसे मेन आपने CNG लगवाई, इसमें CNG जो लगवाई कितने रुपए की थी आपने, आप में इसमें? अच्छा 38,000 की RC में चढ़वा के। तो इस और ये एक सिलेंडर पे माइलेज करीब करीब क्या देती होगी? ढाई सौ किलोमीटर। तो भैया 250 किलोमीटर लगभग हो गया, अगर 8 kg गैस भी आई गाड़ी में तो 8 kg गैस में आप मान चलो 30 किलोमीटर पर kg की एवरेज दे रही है। तो भैया जो भी भैया गाड़ी लेंगे सोचता हूँ ना भैया क्विड पता नहीं CNG में चलेगी या नहीं चल पाएगी, तो भैया इसको चला चुके हैं करीब 20,000 किलोमीटर, जिसमें 5,000 चलाई थी पेट्रोल पे और करीब 15,000 चला चुके हैं इसको CNG पे। तो CNG पे कोई ऐसी कोई दबती है जो बोलते भी दब रही है और कोई मिसिंग विसिंग कुछ भी नहीं? और AC पे कोई दबाव मानती हो? भाई एकदम कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। तो भी एक बार इसका वो दिखाओगे पीछे डिग्गी खोल के पास CNG कौन सा लगाई आपने? CNG स्कैन से लगाई CNG की वैसे कट आपके टाप ने है ना? अरे हम सामान तो भैया भैया लगाई हुई CNG यहाँ पे ये रही। तो जैसा कि आप सभी को पता है भैया हैचबैक गाड़ी कोई भी हो अगर उसमें आप CNG लगवा दोगे ना तो स्पेस तो पीछे बिल्कुल खत्म हो ही जाता है बिल्कुल। तो भैया और AC में भी कुछ फर्क पड़ता है? AC में माइलेज सेम रहती है? AC में कितना किलोमीटर का? अच्छा मतलब भैया कह रहे हैं अगर आप इसको नॉन AC चलाओगे तो 250 किलोमीटर की एवरेज निकाल देगी, अगर AC पे चलाओगे 210-220, मतलब मोटा मोटा हो गया अगर AC पे चलाओगे तो 25 की माइलेज देगी CNG पे और नॉन AC चलाओगे 30 की देगी आराम से। तो भैया ये था अपना स्क्विड CNG का अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भैया कुछ जो दो बातें होनी थी। तो भैया इसका प्राइस बता, भैया गाड़ी आपने ली किस प्राइस में उस टाइम पे? कितनी? तो भैया उस टाइम तो 480 के आसपास, बट अगर आज के टाइम में आप इसको लेने जाओगे तो ये गाड़ी की रेट है आज के टाइम पे 5,54,55,000 है फरीदाबाद में ऑन रोड जो हरियाणा में इसका प्राइस होने वाला है। तो भैया बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपके काम की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना भैया, और थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।